फरीदाबाद नगर निगम कथित घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जांच चल रही, लेकिन इसी बीच आईएएस अधिकारी अनिता यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें बात करने वाले शख्स ने उनसे मामले से उनका नाम निकलवाने के बदले में 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस वक्त आईएएस अधिकारी अनिता यादव हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप बताएंगे कि कब और कैसे इस शख्स ने आपको अप्रोच किया था? मेरे को 3 तारीख की शाम को इस आदमी का फोन आया था और इसका फोन आया कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप कौन हैं, कि कहने लगा कि आप व्हाट्सएप पे देखो मेरा मैसेज। और व्हाट्सएप पे इसने मैसेज जस्ट टू क्लोज द मैटर एज सून एज पॉसिबल इसका लिखा हुआ था। तो फिर ये पूछा कि आप हैं कौन, किस मैटर के बारे में बात करना चाह रहे। तो इन्होंने लिखा कि एसीबी के मैटर के बारे में, तो लेकिन मैं इस नंबर पर नहीं करूंगा, दूसरा नंबर कोई प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने दूसरा नंबर इसको प्रोवाइड किया, मेरी बिटिया का नंबर था तो वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो उसके बाद में इसका फोन आया कि क्या आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, आपने क्लोज कराना है या नहीं कराना। तो मैंने कहा कि क्लोज तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है। इसने कहा होगा जब होगा, लेकिन ये है कि जल्दी हम इसको तुरंत आपको आउट ऑफ लिस्ट करा सकते हैं। कि आप हो कौन, कहने लगा कि मैं ऋषि हूँ और मेरा राजस्थान रजिस्टर्ड नंबर है, गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे किसी राजनेता ने आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है। तो उसके कौन राजनेता है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको जानूं कैसे कैसे करूं कि भाई। उसने कहा कि, तो मैंने कहा कि क्या आप मिलोगे, तो उसने कहा कि नहीं मैं मिलूं तो नहींगा। तो मैंने कहा कि फिर क्या चाहिए आपको मेरे से, तो उसने कहा कि मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मेरी उस समय इंटेंशन ये थी कि ठीक है इस आदमी को एंगेज रखूं, जानूं तो सही कि भाई ये है क्या, कौन बंदा है जो कि इतनी हिम्मत कर रहा है कॉल करने की। तो उसको जस्ट एंगेज करने के लिए मैंने कहा कि चलो ये है कि मैं सोच के बताती हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसा है कि मैं कल आपसे कॉल करूंगा, आप सोच लेना। फिर उसने उसके बाद में फिर लिख कर भेजा कि 5 रिक्वायर्ड आउट ऑफ द टू गेट आउट ऑफ द लिस्ट। और उसने कहा कि इसको किसी बात किसी को भी ना बताना, उसने ये पे लिख कर भेजा। उसके बाद में अगले दिन फिर श्याम को फोन आया और ये जो सारी की सारी बातचीत है ये मैंने क्योंकि शत्रुजीत कपूर जी हैं वो एसीबी को हेड करते हैं, तो मैंने टोटल कन्वर्सेशन है उनको उसी समय व्हाट्सएप पे भेजी और उनको कॉल भी किए, 3 कॉल किए, लेकिन ये था कि उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं था। फिर मैंने जो चंद्रमोहन है यहाँ पे एसपी, उनको फोन किए, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी। तो चंद्रमोहन का फोन आया, उसने कहा कि अगर ये बात है तो मैं अभी इमीजिएटली इसको रात को उठाता हूँ और मैं इसका रिमांड लेता हूँ, अपने हाथों से रिमांड लेऊंगा। अगले दिन 4 तारीख को मैंने चंद्रमोहन जी को 3 कॉल किए, 10:30 बजे, 12:30 बजे के आसपास और 4:45 बजे के आसपास, लेकिन चंद्रमोहन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। इस आदमी का दोबारा से फोन आया 4 तारीख को और 5:30 बजे के आसपास, ये कहने लगा कि अनिता जी कल आपसे बात हुई थी, मैं उसी संदर्भ में बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि बोलिए। तो कहने लगा कि क्या सोचा आपने उस बारे। तो मैंने कहा कि सोचा सोचाया है भैया, ना मैंने कोई गलत कुछ किया और ना मैंने किसी से पैसे लिए और ना मैं किसी को 5 पैसे लिए और ना मैं 5 पैसे दूं। तो उसने कहा कि फाइनल वर्ड है। मैंने कहा कि 100% फाइनल वर्ड है। तो बोले कि ऐसे तो आप लिस्ट से नहीं निकल पाओगे, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे। फिर ये है कि फोन रख दिया। फोन रखने के बाद में उसने फिर मेरे को लिख के भेजा कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट यू विल नीड, यानी कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे नहीं निकल पाओगे। ये सारी कन्वर्सेशन मैंने अगेन शत्रुजीत कपूर जी को लिख कर भेजी, मैंने उनको 2 कॉल भी किए। इसी तरीके से मैंने चंद्रमोहन जी को कॉल किए, लेकिन ये है कि चंद्रमोहन का रिप्लाई सिर्फ इतना आया, मैम प्लीज गो टू द पुलिस। मैंने कल
चंद्रन जी जो यहाँ की सिपी हैं, मैंने उनको 5 बार कॉल किया, उनका भी रिप्लाई नहीं आया, कोई उन्होंने ऐसा एक रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद में मैंने थाने में अपने भाई को पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए भेजा। तो ये है आपकी बात को हम इस तरीके से समझे कि आप लगातार अपने ऑफिसर्स को अप्रोच कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वहां से जो रिस्पांस आया उसको देखकर लगता है कि इस मामले में वो सीरियस नहीं थे, आपका साथ नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल यही बात थी। उसके बाद में फिर ये है कि मुख्य सचिव महोदय से को मैंने मेल किया उसी रात को ही, और उनको व्हाट्सएप पे भी भेजा। मुख्य सचिव महोदय ने इमीडिएटली रिप्लाई किया कि मैं विजिलेंस अथॉरिटीज को डायरेक्शन देता हूँ कि इस मामले में तुरंत इस मामले को देखने के लिए। 5 तारीख भी चली गई, 6 तारीख को भी ये है कि उधर से कोई FIR के बारे में कुछ भी नहीं दर्ज हो रही थी। तो फिर ये है कि मुझे होम मिनिस्टर साहिब है उनका वो लेना पड़ा कि उनके आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और फिर उनकी इंटरवेंशन से मामला दर्ज हुआ। लेकिन ऑफिसर्स आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे इस पूरे मामले में, आपको क्या लगता है क्यों आपने लोकल लेवल पे ये कोशिश की, ACB के हेड तक आपने अप्रोच किया कि आप इस मामले में कुछ स्टेप उठाइए, क्यों आपको क्या लग रहा है क्यों आपका साथ नहीं दिया जा रहा, कम से कम इतनी एक शिकायत है आपकी। तो वो तो वही बता सकते हैं, मैं इस बारे में क्या बता सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से भी जो प्रेस नोट है उसमें 5 करोड़ की बात नहीं है, और जो ऑडियो है उसके अंदर भी सिर्फ वो 5 शब्द का इस्तेमाल कर, 5 करोड़ उस शख्स ने इस्तेमाल नहीं किया। ये जो कन्वर्सेशन है ये दूसरे फोन से वो किया गया था, इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग का मोड नहीं था। इसको मेरी बिटिया फोन लगा के, और क्योंकि स्पीकर पे फोन था उससे वो कर रही थी, तो बार बार उंगली अगर हट रही थी तो ये 3 या 4 उसमें हिस्सों में ये है वीडियो। लेकिन उसने मेरे को कॉल में 5 करोड़ का ही कहा था। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि पुलिस को पुलिस रिलीज करने में ये क्यों कहना पड़ा। पहली बात कि मान लो ही बात को बड़ा करती हूँ कि पुलिस ने अगर मैं ये है कि 500 रुपये, अगर उस आदमी ने 500 रुपये भी मांगे, 5 रुपये भी मांगे, 5 लाख भी मांगे, तो क्या वो एक्सटोर्शन में नहीं आता। मैं उसी बात करूं, क्या डिफाइंड है कि सर्टेन अमाउंट ही एक्सटोर्शन का बनेगा। बिल्कुल, साथ में जो ऑडियो हमने सुनी उसमें साफ तौर पर वो बोल रहा है आपको कि हम आपको निकलवा देंगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसने एक और जिक्र किया कि अपने बॉस से आप बात कर ले, अगर वहां से भी ओके होता है, विश्वास होता है, सेटिस्फाइड होते हैं, तब आप बात करिए। बॉस कौन है, आपको लगता है कि इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में उस शख्स के साथ कोई और हो सकता है, जैसा कि उसने दावा भी किया कि किसी बड़े राजनेता ने कहा कि वो आपसे अप्रोच करे, आपसे बात करे, कौन हो सकता है सबके पीछे, क्या मकसद क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है। मकसद तो वही गिरफ्तारी होने पे बता सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, वो आदमी भी जरूर जरूर ये है कि वो हो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाए जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे था। कि किसका नाम ले रहा था, उसने बिल्कुल ये कहा कि आप अपने सीनियर अधिकारियों से पूछ सकती हो, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में ही कोई ना कोई आदमी ऐसा था, मेरा तो यही मानना है। सिस्टम में या फिर जो जांच चल रही है ACB की, उसके अंदर कोई ऐसा शख्स है जो किसी ऑफिसर के माध्यम से, कोई ना कोई तो है जो कि ऐसा है कि इस आदमी का तो जरूर खुलासा होना चाहिए कि इस पूरी ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्यों था ये सारा मामला। और मैम सिर्फ आपको ही क्यों अप्रोच किया गया, एक और IAS ऑफिसर है और बड़े अधिकारी जिनके खिलाफ अब कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगा, ये परमिशन उनको मिल गई है, वही बता सकते हैं ना, वो तो वही बता सकते हैं। मैं तो दूसरों के उसका सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ, दूसरे के माइंड का जवाब तो नहीं दिया जा सकता, या तो ACB बताए या वो आदमी बताए। लेकिन उस सब के बाद क्या फिर से आपको फोन कॉल के थ्रू संपर्क करने की कोशिश की गई उस आरोपी की तरफ से, किसी तरह की धमकी थ्रेट दिया गया आपको, या फिर आपको थ्रेट फील हो रहा है, आपको लगता है कि आपको आपकी फैमिली को कोई थ्रेट है। नहीं बिल्कुल थ्रेट है। आप ये देखिए कि उसके जब उसने कहा कि परिणाम भुगतने होंगे तो ये थ्रेट ही है। अब आप ये देखिए कि थ्रेट ये है कि लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ये केस से रिलेटेड भी हो सकता है, रेपुटेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, तो ये सेफ्टी का ही सवाल है नेचुरल। आप क्या चाहती है, एक तो जो करप्शन केस है उसमें जो जांच चल रही है वो तो अलग पार्ट है, लेकिन उसके बाद
और फिर जांच चले, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा रोल ये पता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा रोल ही नहीं है, मैं अपने आप निकलूंगी। डाउट है, राजनेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन उसने ये साफ तौर पर कहा कि कोई राजनेता है, उन्होंने हमें कहा कि आप उनसे संपर्क, किसी अधिकारी का जिक्र उसने नहीं किया। राजनेता क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है, कोई किसी पे शक हो आपको, या फिर आप चाहते कि उस शख्स तक भी पहुंचा जाए? नहीं, मैं मुझे नहीं, बिल्कुल उस शख्स तक पहुंचा जाए, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सी पार्टी से है कौन नहीं है, मैं इस बारे नहीं सोच सकती, ये तो वो अपना वही बता सकता है। दूसरा, ब्यूरोक्रेट्स का उसने नाम लिया कि आपके सीनियर अधिकारियों को मेरे बारे में पता है, आप उनसे पूछ सकते हो। आप जब हम बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि चंद्रमोहन जी ने भी कहा कि मैं इसको उठा लेता हूँ, अभी उठा लेता हूँ, रात को उठा लेता हूँ, क्या वो जानते थे कि ये कौन शख्स है? नहीं, वो तो नहीं, उनके उससे लग नहीं रहा था कि वो जानते हैं, क्योंकि ये तो पुलिस का अलग से अपना काम होता है कि वो इंटरसेप्शन पे डालते हैं और वो उसको इंटरसेप्ट करते हैं, तो वो तो उनका अलग से, वो मॉडस ऑपरेंडी वो तो पुलिस की होती है किस तरीके से करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या आपसे बातचीत हुई है उस शख्स की, जब ये मामला पूरा खुल के मीडिया में आ गया पुलिस के पास जाने के बाद से, क्या किसी और के बहाने? नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। किसी तरह का कोई और दूसरी तरह से प्रेशर है, या फिर आप किसी अधिकारी से संपर्क करना चाहती हैं इस मामले में, हेल्प लेना चाहती हैं कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच हो, वहां से रिस्पॉन्स कैसा है? देखो, हमारा सबसे बड़े ये है कि अधिकारी में मुख्य सचिव होते हैं जिनके बैठ हम सारे काम करते हैं, मैंने उनको इस मामले को अवगत करा दिया, और उनका भी ये है कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनका क्विक रेस्पॉन्स था और वो मामले की छानबीन कराने के बारे में, अब उनकी जिम्मेवारी है मुझे इस मामले। किसी तरह की और आपको सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न है क्या? सिक्योरिटी को लेकर आप बात करेंगे मुख्य सचिव से, या अपने IAS लॉबी से आप बात करेंगे, एक कंसर्न हो आपका आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर? नहीं, मैं तो किसी से, मैंने उनकी नॉलेज में मामला डाल दिया, अब ये उनका काम है, मैं तो किसी से कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूं कि उस आदमी को तुरंत गिरफ्तार हो, पहली बात, और इसमें धारा 120 भी जरूर इसमें जुड़े, ताकि कॉन्स्पिरेटर का तो पता लगे कि किसकी कॉन्स्पिरेसी थी, कौन था, और ये जांच जल्दी पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बातचीत की, न्यूज 18 पर बताया किस तरीके से इस पूरे मामले पर आपका पक्ष क्या है, और पुलिस ने किस तरीके से इस मामले को आगे कार्रवाई में अमल में लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।